जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों बात करने जा रहे हैं दिल्ली में पक्की सरकारी नौकरी आउट हुई है, 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल सबके लिए, और वैकेंसी भी एक दो नहीं है, इसमें काफी ज्यादा वैकेंसी आउट हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 10वीं पास वालों के लिए 292 वैकेंसी है और ग्रेजुएट लेवल के लिए 235 और 18 अलग अलग वैकेंसी आउट हुई है। तो आज की वीडियो दोस्तों समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें बताई बताइए सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी आउट हो चुकी है, अगर आपका अपना है दिल्ली में पक्की सरकारी नौकरी लेने का, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है दोस्तों। इसको अप्लाई जरूर कर देना। और सबसे जबरदस्त बात ये है दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह, कोई भी टेक्निकल फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया, सिंपल और सिंपल 10th पास और 12th पास इसमें मांगा गया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अभी के अभी अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी काफी करीब है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अप्लाई जरूर करना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ईएसआई हॉस्पिटल में वैकेंसी आउट हुई है, यानी कि दिल्ली में ईएसआई हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। अगली बात करते हैं, ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल का इसमें बिल्कुल भी पंगा नहीं है। तो आप अपने दिमाग में से निकाल देना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जॉब है। 2 साल का स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे ही वो आपका कंप्लीट होता है आपको परमानेंट दोस्तों कर देते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं अपनी पोस्ट के बारे में। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की हमारी पहली पोस्ट है। पोस्ट की बात करें तो 292 इसमें बड़ी जबरदस्त रिक्रूटमेंट आउट हुई है, 292 दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें आई हुई है और 10th पास इसमें मांगा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सैलरी की बात करो तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो लग जाएगी 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि हर साल ये इंक्रीमेंट के तौर पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों, ये गवर्नमेंट है, इसमें इंक्रीमेंट लगता है, एवरी ईयर लगता है, और प्रमोशन पे तो आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, अगली पोस्ट की बात करते हैं, यूडीसी यानी कि अपर डिविजन कलर की पोस्ट, इसमें टोटल पोस्टों की बात करें तो 235 टोटल पोस्ट है। देखिए कितनी जबरदस्त रिक्रूटमेंट है, 235 पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया। आपने किसी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 3500 और 40 हजार के बीच आपकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर पोस्ट का नाम है। इसमें टोटल पोस्टों की बात करते हो 18 टोटल पोस्ट आउट हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो 12th पास इसमें मांगा गया है, सिंपल 12th पास मांगा गया। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग की और शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 4 के सैलरी मिलेगी और एज की बात करें तो कम से कम 18 साल जाए 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहां तक आपको काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अब बात करते हैं, आपको अगर एज में रिलैक्सेशन लेना है तो एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी कैटेगरी वाले को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं, जब आप अप्लाई करने चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस अपनाना होता है, कितनी फीस देनी होती है, काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छी तरीके से समझना दोस्तों। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फीस जो है 250 रुपए निर्धारित की गई है और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे कि एमटीएस के लिए रिटर्न होगा और जो आपका स्टेनोग्राफर और यूडीसी है उसमें स्किल टेस्ट भी होगा दोस्तों। अगली बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहां पर जाना, उस पर क्लिक करना, पहले रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई का, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां पे डालना और इसको अप्लाई जरूर कर देना। लास्ट डेट की बात करो तो दोस्तों ये अच्छी तरीके से समझना, लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 15 फरवरी 2022, यानी कि दोस्तों आपको काफी कम समय मिल रहा है अभी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसलिए अप्लाई अभी के अभी आप जरूर कर देना। पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल का पंगा बिल्कुल भी नहीं है, बंपर वैकेंसी आउट हुई हुई है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।